ये टोटल 2 मीटर है। तो अरे मतलब जब से आए हैं ड्यूटी से तब से ये लगी हुई एक है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। किट्टो ने मुझे ऑलमोस्ट चीज़ें लिख करके भेज दी, क्या क्या चीज़ें लानी, माला फूल लड्डू वड्डू, तो मैं जा रहा हूँ फटाफट मार्केट से लेकर के आने के लिए। बासुरी भूल गया था तो किट्टो ने बोला बासुरी ले लेना होगा। लड्डू कौन सा लूँ, कन्फ्यूज हूँ। झूला ना 100 रुपये का सदर बाजार से लेके आए, यहाँ 250 का मिल रहा है, विश्वास करोगे। और जो कपड़ा हम बताए 20 रुपये का लेके आए, 100-100 रुपये का कपड़ा। वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जसवाल यूट्यूब चैनल। तो ऋषभ का एग्जाम चल रहा है, तो सुनो किट्टो उसको प्रिपरेशन करा रही है सारा। आज इसका ओरल एग्जाम था, किसी को पता नहीं घर में एग्जाम था उसका। ये सिलेबस दिखाए क्यों नहीं, ये बुक क्यों मिला है तुमको, ये जो डायरी होता है ये डायरी क्यों मिला जाता है। अगर कुछ नोटिस होता है तो बच्चे तो छोटे रहते हैं, उनको तो समझ में आता नहीं है, इसीलिए इसमें लिख देते हैं कि माँ बाप देखेंगे, घर में पेरेंट्स लोग देखेंगे तो समझ आएगा। तुम्हारा देखो ये सिलेबस था तुम्हारा, आज हिंदी नहीं था, आज तुम्हारा जीके का था। देखो 18 तारीख को जीके ओरल था, तुम्हारा जीके ओरल में क्या था तभी तो पूछ बोला ना, पूछ रहे जीके वाला उससे यही पूछेंगे ना कि तुम्हारे घर में बोला कितनी फैमिली थी, यही सब नॉर्मल चीजें पूछेंगे। अगले साल एग्जाम है नहीं तुम्हारा ओरल में, जानते हो क्या हो गया 1 से 5 तक, ये जो पेज नंबर होता है 1 से 5। लाओ जो अपना पहले बैग लाओ, मौसी को दो, मौसी को बैग लाओ। मैं कब ओरल का बुक लाओ, लेकर गई नहीं थी तुम बुक। लल्ला एग्जाम दिए थे आज, मैम बोल पूछी होंगी ना, मैं पूछी होंगी कि जीके का बुक क्यों नहीं लाए, पूछी थी कि नहीं। नहीं क्यों नहीं पूछी, और सारे बच्चे से पूछी होंगे, तुमसे स्पेशली थोड़ी ना पूछेंगे दी सब तुम क्यों नहीं लाए। तो सब बच्चे नहीं लाए थे, सब बच्चे लाए थे ना, कुछ बच्चे लाए थे कुछ बच्चे नहीं लाए थे। हाँ। क्यों नहीं लाए थे, क्यों लेकर नहीं गई ये। अगर नोटिस कुछ भी दिया जाता है तो ये चीज आपको दिखाना है ना मम्मी को अपने, तो दिखाए था तो मम्मी क्यों नहीं भेजी तुम्हारी, क्या नहीं भेजी ये जीके का। ये जीके का बुक है इसका। हाँ। कहाँ लिखा है, ये देखो माई फैमिली से पूछा गया होगा कौन कौन है घर में। हाँ, यही यही पूछा। क्या बताए थे फिर तुम, क्या बताए थे फिर लल्ला, क्या क्या बोले, कैसे बोले थे। माई एम ऋषभ, माई आई एम ऋषभ बोले थे ना, माई नेम इज ऋषभ ऐसे बोल सकते थे क्या। चलो क्या बोले थे, पहले क्या पूछी थी क्वेश्चन में बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है, ऐसे हिंदी में पूछी थी, इंग्लिश हिंदी में पूछी थी मैम, हिंदी जीके था कि इंग्लिश जीके में था, इंग्लिश का ही है इसका। मुझे पता था कि कौन सा, सही से बैठो बेटा सही से बैठ के, इंग्लिश में पूछी थी कि हिंदी में पूछी थी। अच्छा चलो आप क्या जवाब दिए थे वो बता दो, क्या रिप्लाई किया था, आंसर क्या दिया था, आपके घर में कौन कौन है तो क्या बताए आप, मैं हूँ मौसी है, आपने किस तरीके बताया, सही से बैठो। मैम ने क्या पूछा आपसे, आप बुलाई होंगी अपने पास, बुलाई होंगी, सही से बैठी है, पहले बुलाई होंगी, क्या पूछी मैम, क्या बोली कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तो आपने क्या जवाब दिया, मैं रहता हूँ। हाँ। और मेरी दीदी रहती है। हाँ। हसो मत उसको, आओ बताओ, आओ बताओ, अगर मैम उनने ऐसे पूछा तो आपको रिप्लाई ऐसे देना चाहिए था। उस दिन हम बताए थे ना, उस दिन बताए थे ना कि जो माई फैमिली होता है मेंबर्स जो नेम होते हैं ऐसे बोले होते हैं, ऐसे बोल देते हैं, मदर हैं, फादर हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, सिस्टर हैं और मैं ब्रदर, ऐसे बोल सकते थे ना, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे क्यों। मदर ब्रदर मम्मी का नाम बोले थे। हाँ। मम्मी का नाम पूछी होगी ना, क्या आपकी मम्मी का नाम पूछी थी। हाँ। क्या क्या पूछी कि मम्मी का नाम बताओ, योर मदर नेम, तो क्या बोले, वंदना, वंदना बोले, ऐसे बताए थे हम, श्रीमती वंदना जायसवाल, श्रीमती वंदना जायसवाल वही बोले थे, अपनों से बड़ों के नाम के आगे श्री लगाते, ठीक है लल्ला।
मुझे हो जाएगा लेट, यहाँ पे किट्टू बच्चों को पढ़ा रही है, उनको समझा रही है, मैं निकलता हूँ मार्केट, मुझे कुछ चीजें लेके जाएंगे। इसके लिए क्या देखा भैया? ये है इसमें तो दम ही नहीं है कपड़े में। हाँ, नहीं है कुछ लेंगे लेंगे पूरी हो जाएगी। चाहे आप कृष्ण जी का ले लो, चाहे आप कैसा भी ले लो, इनमें दम फॉर्मेलिटी करके कपड़े होते हैं ऐसे। हाँ। नहीं कुछ बढ़िया सिल्क में और फिर पैसा डालने में भी अच्छा लगता है। कितने का ये? 200। सीजन के हिसाब से बताएंगे ना। सही बात है, चुन्नी भी देखो। 275 काटना भैया, काट दो। अच्छा था वैसे, भगवान का है। एक मीटर इतना बड़ा हो गया? हाँ जी, दो करो करो करो, दो मीटर, दो मीटर, दो मीटर बहुत है, दो मीटर ही दे दो। ये सब सीजनेबल चीज़ है। और क्या जन्माष्टमी है तो मार्केट में चारों तरफ एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ है। चलते हैं कुछ और ले लेते सामान। तो 20-20 रुपए का मैंने ये ले लिया, डेकोरेशन में काम आ जाएगा सारा। तो ये मोरपंख भी बहुत ज़रूरी है, 10 के 2 मिले तो मैंने 2 ले लिए हैं। काम देगा घर पे, डेकोरेशन में भी काम देगा। तो गाइस कान्हा जी की सीनरी भी ले लिया हूँ मैं। कितनों ने बोला था कान्हा जी का सीनरी लेना, तो हमें जैसा चाहिए तो वैसा नहीं, लेकिन दूसरे टाइप का भी है, वो भी अच्छा लग रहा है। कितने अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी, 600 के भी आएंगे वाले। बाप रे, तो क्या हुआ? देखो क्या क्या लेके आए सामान। उठो, वाला ड्रेस मैं क्यों पहनूंगा, तुम पहनोगी? अरे क्या कृष्ण नहीं बनोगे क्या? नहीं, हम बड़े हो गए, हम क्या बनेंगे? अगली बार तो बने थे, अगली बार नहीं बहुत पहले बना था। उठा कर रख बेटा कपड़ा, इसको भी संभाल के रखना पड़ेगा, सब कपड़ा वपड़ा लेके आऊँ। भाई जापलून देखा कि मैं सामान लेकर के आ गया हूँ, और अब मैं तैयार हो गया हूँ कैची लेकर के, और मेरा साथ देंगे किट्टू राणा, तो हम दोनों लोग मिल करके डेकोरेट करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का। और बज चुके हैं रात के 12 बजने वाले हैं, मेरे पास सुबह टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं रात में डेकोरेशन करूँगा, जितना हो सकेगा उतना कर लूँगा। अभी हमने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं कपड़ा लेके आया था, ये कपड़ा यहाँ पे मंदिर का कपड़ा थोड़ा सा ओल्ड हो गया था, ये कपड़ा लग जाएगा। अभी मैं ये थोड़ा सा, ये जो आसन था लोग पिछली बार लेके आए थे, इसको यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड थोड़ा इससे डेकोरेट करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ना किट्टू जी। ये टोटल 2 मीटर है, तो इतना काट देता हूँ ना यहाँ से बाबू, ये रमसान में ये काट देता हूँ, एक इस पर लग जाएगा, मंदिर में लग जाएगा, बाकी इसमें यूज में आ जाएगा। हमारे पास बड़ा वाला कैंची भी है। नहीं धार देंगे इसमें, ये कैंची हम ही लेके आए थे, जब भाभी के पास वो सिलाई मशीन था ना, तो हम लेकर के आए थे सिलाई मशीन उनका काम करने के लिए, लेकिन ये यूज में नहीं आया कभी। ये सुबह नहा करके फिर ये सुबह मंदिर में लग जाएगा, अभी इसे थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, ना? मैं इस पर लाइटिंग लगाने जा रहा हूँ और ये सिर्फ बैठे बैठे आदेश दे रही है मुझको कि ये काम ऐसे करो, वो काम मैंने ऐसे नहीं करो, कुछ झूठ मुझे बंदा झूठ नहीं बोलेंगे। तो गाइस ये लाइट मैं लगाने जा रहा हूँ और यहाँ पूरा डेकोरेशन करके फिर मैं सोऊंगा। बज चुके हैं 5:12,
10 होने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं 12:30 बजने वाला, लेकिन अभी तक हमारे पतिदेव जन्माष्टमी के लिए इतना बेसब्री से मेहनत कर रहे हैं। और मतलब जब से आए हैं ड्यूटी से तब से ये लगी हुई, एक मिनट के लिए ज्यादा लग रहा है डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रहा है। अभी जब सब कुछ कृष्ण जी बैठ जाएंगे, अभी कल साफ सफाई करेंगे ना, अभी मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगता है, सब चीजें कर दे रहा हूं ना। कल आपके लिए टाइम, कल आपको जाना भी है, इसकी वजह से आप इतना सारा सब कुछ पहले से कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे झूला वूला करना है, लगा दिया है, कुछ हो जाएगा। बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे जो जगह गैप बचा है, फूल लगाएंगे, वो वाला फूल लेकर आना, गेंदे का फूल ले। हाँ, अच्छा लगेगा। और ऐसे करके ना पूरा जब वो करेंगे ना ऐसे नीचे तक भी लटका दोगे, सुंदर लगेगा। और छोटे से घर में छोटी जगह, लेकिन कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, भगवान श्रद्धा होना चाहिए। मैंने सजा दिया है अभी, और भी माला फूल वगैरह, और भी अभी आधा काम हो गया है, 12:30 बज गए, आधा काम कल करूंगा मैं। ये सब थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग में टाइम लग जाता था, ये सब कर दिए मैंने, साफ सफाई करके लगा दिया है, और बाकी काम कल होगा। जा रहे सोने भैया, बहुत खतरनाक वाली नींद लग रही है, सुबह मिलेंगे आप लोगों से। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह हो चुकी है और जन्माष्टमी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। किटोरानी लिस्ट बना रही है प्रसाद की, मुझे क्या क्या चीजें ले आनी है, कुछ डेकोरेशन की चीजें मुझे व्हाट्सएप कर रही है। तुम जो कृष्ण जी को लड्डू गोपाल को जो तुम दे दो, दिल से आपका एक कोरियर आ गया है, तो मैं जा रहा हूँ। लिस्ट भेज दिया ना, लिस्ट भेज दिया है, लिस्ट भेज दिया है, लिस्ट भेज दिया है। अच्छा रुक जाओ, वीडियो ना थोड़ा जब ब्लॉग शूट किया करो, देख लिया करो, इसी टाइम पार्सल खोलने का बना लिया करो। अच्छा डिफेक्टिव मॉल ना, हाँ बहुत तेज आजकल कपड़ा हो रहा है, कितना पीला पहनेंगे हो, कितना सूट पहनेंगे, तो बस हो गया। अरे भैया आजकल कोई सब लोग वेंडर से मंगाते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है। वो भी सूट काफी सुंदर था, ये भी सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो के लिए से वो नहीं है क्या, पैजामा, पैजामा नहीं है, ऐसा सूट बगैर पैजामे के कैसे नहीं हो सकता है, ऐसा भी आता है क्या। अब मेरा फोन ना पूछे मैडम, इसमें दुपट्टा है और वो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किट्टू ने मुझे ऑलमोस्ट चीजें लिख करके भेज दी, क्या क्या चीजें लानी, माला फूल लड्डू वड्डू, तो मैं जा रहा हूँ फटाफट मार्केट से लेकर के आने के लिए। 150 का ये मिल रहा है, इतनी महंगी महंगी चीजें हो गई हैं इस टाइम, जन्माष्टमी चीजें महंगी हो जाती है। देना भैया एक, कान्हा जी का कुछ वस्त्र किट्टू ने बोला था, और बाल वो लेने आया हूँ मैं, अब एक चाहिए बाल, बांसुरी भूल गया था तो किट्टू ने बोला बांसुरी ले लेना है। इस कान्हा जी के लिए माखन भी जरूरी, तो माखन लेने आ गया हूँ मैं, और टाइम हो गए हैं 11:29, बाप रे लेट बहुत हो रहा है, माखन लेकर के फिर चलता हूँ घर। तो अब लास्ट में टाइम हो गया है लड्डू का, लड्डू कौन सा लूँ कन्फ्यूज हूँ, ये लड्डू ले लेता हूँ। तो मेरा लगभग सारा काम हो गया, लड्डू भी मैंने ले लिए, अब चलता हूँ घर की तरफ। गाइज मैं सारा सामान लेकर के आ गया हूँ, और एप्पल भी आ गया है, इसमें माला फूल है, एक बड़ा माला फूल है, एक छोटे माला फूल है, और ये छोटे छोटे बर्तन लेके आया हूँ कान्हा जी के लिए,
छोटे छोटे बर्तन लेकर गया। किट्टो इतना महंगा सामान मिल रहा है, इतना महंगा सामान मिल रहा है, पता क्या, जो हम झूला ना 100 रुपए का सदर बाजार से लेके आए यहाँ 250 का मिल रहा है, विश्वास करोगे। और जो कपड़ा हम पता है 20 रुपए का लेके आए, 100-100 रुपए का कपड़ा मिल रहा है, इतना महंगा रेट कर दिया इन लोगों ने। मतलब कि आस्था का इन लोगों ने एकदम लूट मचा रखा है कि आस्था के नाम पे लूट लो। तो इसमें देखो माखन है, कान्हा जी के लिए माखन भी ला दिए हैं, ये कान्हा जी के लिए लड्डू ला दिए हैं, कान्हा जी के लिए आज के तो रानी ग्रीन पीला बोली जी पहनेंगे, शाम को पहनेंगे साड़ी, तो शाम को साड़ी। और इसमें किट्टो ये डेकोरेशन तुम कर लेना ठीक है। तो गाइज ऑलमोस्ट सारी चीजें ला दी। तो गाइज मुझे बहुत लेट हो रहा है और मैंने 50% डेकोरेशन कर दिया था, बाकी 50% किट्टो लोग कर लेंगी डेकोरेशन। अभी मुझे जाना जहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे काम से जाना है, और बहुत ज़्यादा बैंक भी जाना है, लेकिन बैंक का काम अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाद में कर लूँगा, क्योंकि अभी आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। यहाँ पे देखिए 11:30 बज गए मुझे सामान ही लाने में। तो 50% मैंने डेकोरेशन कर दिया था और बाकी सामान ला दिया हूँ। नहीं होगा तो मैं, मेरा काम हो जाएगा तो फटाफट मैं शाम तक आ जाऊँगा 3-4 बजे तक, तब तक किट्टो से जितना हो पाएगा किट्टो करेगी ना, किट्टो जितना हो पाएगा तब तक अपना अपने हिसाब से कर लेना। सुना तुम मौसी का मदद कर देना ठीक है, तुम राधा बनोगी, लिलिया कृष्ण बनेगा, हम साड़ी पहनेंगे। तो गाइज इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। राधे राधे, शाम को मिलेंगे बेहतरीन ब्लॉग के साथ, बाय बाय।